भजनलाल सरकार में मंत्रियों को विभाग बांट दिए हैं। टॉप 11 चेहरों को पावरफुल विभाग मिले हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी को वित्त विभाग दिया है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग मिलने से सीएम के बाद सबसे मजबूत कद दिया कुमारी का ही रहेगा। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा को तकनीकी शिक्षा के साथ परिवहन की जिम्मेदारी दी गई है। जातिगत समीकरणों और डिप्टी सीएम पद के कारण इनका कद मजबूत है। राज्यसभा सांसद रहते हुए किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन किए। एसटी समुदाय के बड़े चेहरे किरोड़ीलाल को कृषि एवं ग्रामीण विकास जैसा संवेदनशील विभाग मिला है। वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे गजेंद्र सिंह खिमसर को चिकित्सा विभाग की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। चिकित्सा विभाग का बजट 22,000 करोड़ से ज्यादा का है, जिसका प्रदेश के कुल बजट में तीसरे नंबर का हिस्सा है। मदन दिलावर को शिक्षा विभाग दिया है। अन्य विभागों की तुलना में शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा बजट मिलता है। शिक्षा क्षेत्र में बेहतर काम कर दिलावर अपनी छाप छोड़ सकते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पूर्व सैन्य अधिकारी और ओलंपियन रह चुके हैं, ऐसे में उन्हें युवा खेल और सैनिक कल्याण विभाग मिला है। उनके कंधों पर उद्योग विभाग की बड़ी जिम्मेदारी होगी। दैनिक भास्कर के लिए जयपुर से समीर शर्मा की रिपोर्ट।